आज कल्याण योजना में कितने लोग लाभुकों को बांटा जा रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? लगभग 150 लाभुकों को कन्या विवाह योजना के तहत ये राशि 5000 रुपये का चेक दिया जा रहा है। इसमें कुछ लाभुक 2012 के भी हैं और बाकी 13 और 14 के वर्ष के हैं। और इसमें होता क्या है कि अलॉटमेंट थोड़ा सा लेट से आता है, तो जैसे जैसे राशि आते रहता है हम लोग स्वीकृत लाभुकों की सूची में से लाभुकों को लाभ देते जाते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि जो गरीब परिवार हैं, यानी कि या तो बीपीएल में है या फिर जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये और सालाना से कम है, वैसे परिवारों को बेटी की शादी में जो थोड़ी बहुत परेशानी आती है उसको थोड़ा सा सरकार की तरफ से मदद एक मिल जाए। और दहेज मुक्त शादी के लिए एक तरह की ये प्रोत्साहन राशि है। इसकी एक कंडीशन है कि यह विवाह जो है वो बिना दहेज की हुई है, बिना किसी लेन देन की हुई है, तो उसी शादी के लिए यह 5000 रुपये देय होता है। खबरें आप तक पत्थरों सी, रोज सुबह दरवाजे पर हम नहीं फेंकते, हम पहुंचाते हैं वो बात जिसमें जिक्र होता है सियासत की, समाज के अन्य मुद्दों की, जिससे जुड़ा है आपका शहर, आपकी गली, आपका मोहल्ला। वो हर खबर सीधे आपके हाथों में, सबसे पहले मधेपुरा टाइम्स के साथ, कोसी में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली ऑनलाइन न्यूज़पेपर मधेपुरा टाइम्स, www.madhepuratimes.com पर पढ़ते रहिए हर खबर जिम्मेदारी के साथ।